हेलो बच्चों, मैं दीपक राज आप सभी को मैथ गैलेक्सी पॉइंट पर स्वागत करता हूँ। अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें। आज का हमारा जो टॉपिक है क्लास नाइन्थ का मैथ संख्या पद्धति के बाद इसका हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन में इसमें क्या क्या टॉपिक जो हमारे परीक्षा में पूछता है उसको हम बताएंगे और इसको हम आइए देखते हैं। तो जो हमारा संख्या पद्धति है उसमें क्या क्या चीज टॉपिक पढ़ना है, तो पहला टॉपिक हमारा है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्या में क्या क्या पढ़ना है आइए हम लोग देखते हैं। उससे पहला टॉपिक है प्राकृतिक संख्याएं, दूसरा टॉपिक है पूर्णांकों और तीसरा टॉपिक है परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। क्रमिक वृद्धि द्वारा सात शांत अशांत आवर्ती दशमलवों का संख्या रेखा पर निरूपण, मतलब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। प्राकृतिक संख्या पढ़ना है, पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, सब इसमें पढ़ना है। आगे हम देखते हैं आवर्ती क्या होता, आवर्ती शांत दशमलव के रूप में परिमेय संख्याएं, मतलब इसमें हमारा जो परिमेय संख्या होता है शांत होता है अशांत होता है उसी के रूप में हमको पढ़ना है। दूसरा जो हमारा पॉइंट पढ़ना है अनावर्ती अशांत दशमलव के उदाहरण अपरिमेय संख्याओं जैसे अंडर रूट टू अंडर रूट थ्री का अस्तित्व और उनका संख्या रूप संख्या रेखा पर निरूपण, मतलब इसमें कह रहा है जो शांत और अशांत हमारी संख्याएं होती हैं उसको एक परिमेय संख्या के रूप में बनाकर में संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। जैसे अंडर रूट अपरिमेय संख्या होता है, अंडर रूट थ्री अपरिमेय संख्या होता है, उसको एक संख्या रेखा पर हम लोग लाइन बनाकर उसको निरूपण करना है। प्रत्येक वास्तविक संख्या का संख्या रेखा पर एक विशिष्ट बिंदु के रूप में निरूपण व्याख्या करना और विपरीत भी सिद्ध करना, मतलब एक संख्या रेखा को बनाकर उसको सिद्ध करना है और उसको विपरीत भी सिद्ध करना है एक उदाहरण लेकर। उदाहरण संख्या के रूप में प्रत्येक बिंदु का एक विशिष्ट वास्तविक संख्या का निरूपण, मतलब एक उसमें जो हमारा संख्या रेखा पर एक वास्तविक संख्या का विशिष्ट रूप से एक बिंदु पर हम उसका क्या करेंगे, निरूपण करेंगे। जो हमको तीसरा टाइप पढ़ना है इसमें वास्तविक संख्या के nth रूट का परिभाषा, मतलब वास्तविक संख्या के जो हमारा nth रूट होता है उसके परिभाषा डिफिनेशन हमको इसमें पढ़ना है। चौथा तो हमारा पॉइंट है दिए गए वास्तविक संख्या x के लिए अंडर x का अस्तित्व और ज्यामिति संख्या के साथ इनका संख्या रेखा पर निरूपण, मतलब कोई हमारा एक मान लीजिए हमारा एक परिमेय संख्या चाहे अंडर रूट थ्री है चाहे अंडर रूट फाइव है, उस हम क्या करेंगे एक संख्या रेखा पर उसको हम क्या करेंगे निरूपित करेंगे। जो इसमें हमारा जो पांचवा टाइप का प्रकार है एक बटे ए प्लस बी अंडर रूट एक्स तथा एक बटे अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई के तरह के वास्तविक संख्याओं का परिमिकरण, जहां एक्स और वाई प्राकृतिक संख्याएं और बी पूर्णांक है। मान लीजिए कोई संख्या इस प्रकार है, मान लीजिए कोई संख्या हमारा किस प्रकार अंडर रूट फाइव है और यहाँ पर थ्री अंडर रूट दो है, इसका क्या करते हैं परिमिकरण करते हैं उसी, और जहाँ पर हमारा x और y एक प्राकृतिक संख्या है और a और b पूर्णांक है, इस टाइप का संख्या रहता है उसका परिमिकरण करते हैं। मान लीजिए इस प्रकार का कोई संख्या है जब इसका हम परिमिकरण करते हैं, अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह रहता है वहाँ पर माइनस कर देते हैं, अब माइनस जहाँ रहता है वहाँ पर प्लस कर देते हैं, इसका परिमिकरण करेंगे हम तो क्या करेंगे अंडर रूट पाँच माइनस तीन अंडर रूट दो बटे अंडर रूट पाँच प्लस सॉरी माइनस तीन अंडर रूट दो का करेंगे, इसमें से क्या करेंगे गुणा कर देंगे, उसी को हम क्या कहते हैं परिमिकरण कहते हैं। जो अगला है छवां नंबर, इसमें जो छवां टाइप पढ़ना है उसमें देखिए क्या कह रहा है पूर्व घात वाले घातांकों के नियम का पुनः स्मरण करना, धन
वास्तविक आधार वाले परिमेय परिमेय घातांक। मान लीजिए कोई मान जो क्लास सेवंथ में था घातांक है और ए पी पावर एम है और पी पी पावर अगर एक अगर ए पी पावर क्या है एन है तो हमारा क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस एम प्लस एन होता है। इसी प्रकार के मान लीजिए अगर यहाँ पर दो पर पावर पाँच दिया इंटू दो पे पावर सात दिया है तो हमारा क्या हो जाएगा दो पे पावर पाँच प्लस सात बराबर कितना हो जाएगा दो पे पावर सात प्लस बारह हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए ए अंडर रूट बी होता है। इस प्रकार जितना टाइप होता है इसमें हम छह प्रकार के टाइप में पढ़ेंगे। अब जो हमारा पहला टॉपिक इस अध्याय में था क्या था प्राकृतिक संख्या था प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या क्या होता है मान लीजिए कोई अगर वस्तु है उसकी अगर हम गणना करते हैं उसी की क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या है। अगर जितनी हमारी जो गिनती की संख्याएं होती हैं वो सब क्या है प्राकृतिक संख्याएं हैं। और यदि हम किसी भी वस्तु को अगर गणना करते हैं उसे क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमारा है अगर ए बी सी डी ये सब क्या है प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार पाँच ये सब क्या है प्राकृतिक संख्याएं हैं। आइए इसका परिभाषा लिख दे रहे हैं। इसमें क्या होता है वे वस्तुएं जिनकी गणना की जा सके उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं जैसे एक दो तीन चार अनंत। इसका मतलब कोई सीमा नहीं होता हमारे प्रकृति तक कहाँ तक होती है। मतलब इसका परिभाषा क्या है वे वस्तुएं जिनकी गणना की जा सके उसे क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एक दो तीन चार जो अगला हमारा संख्या होता है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होता है पूर्ण संख्या क्या होता है यदि मान लीजिए प्राकृतिक संख्याएं हैं जैसे एक दो तीन चार यदि हम उसमें शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं उसे क्या कहते हैं पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है एक दो तीन चार पाँच छः होता है। यदि अगर हम इसमें शून्य को सम्मिलित कर लें तो ये क्या हो जाएगा पूर्ण संख्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर जीरो अगर हम सम्मिलित कर दे रहे हैं जिन संख्याओं में अगर हम जीरो सम्मिलित कर देते हैं वो क्या हो जाता है पूर्ण संख्या होता है। इसका परिभाषा देखिए क्या होता है यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर दें उसे
संख्या कहते हैं। जैसे हमारे प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1, 2, 3, 4, इसमें अगर हम शून्य को सम्मिलित कर ले क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो गया। जो हमारी अगली संख्याएं होती है उसे पूर्णांक संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्या क्या होती है, यदि हम प्राकृतिक संख्या में ऋणात्मक संख्याओं और शून्य को सम्मिलित अगर कर ले, जो संख्या प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा प्राकृतिक संख्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। इसमें अगर हम शून्य को सम्मिलित कर लें, 0 मतलब शून्य को सम्मिलित कर लें, और ऋणात्मक संख्या जैसे -1, -2, -3, -4, -5, यदि इन सभी संख्याओं को अगर हम सम्मिलित कर रहे हैं, जो संख्या बनती है उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब उसका परिभाषा क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं में यदि ऋणात्मक संख्याओं तथा शून्य को भी सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वे पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब देखिए इसका इसे हम आई से लिखते हैं, इस आई से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें होता है धन पूर्णांक उसे कहते हैं। जैसे यहाँ पर धन पूर्णांक होता है 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है, धन पूर्णांक है। ऋण पूर्णांक क्या होता है, -1, -2, -3, -4, ये सब क्या है, ऋण पूर्णांक है। लेकिन जो हमारा शून्य है, शून्य को ना ऋणात्मक संख्या है ना धनात्मक संख्या है, ये सब क्या है, ये हमारा पूर्ण संख्या क्या है, शून्य क्या है, पूर्ण संख्या है। नोट करके लिख लीजिएगा, शून्य ना तो धन या ऋण संख्याएं नहीं हैं, ये केवल पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है। जो अगला हमारा संख्या है सम संख्या क्या होता है, ये देखते हैं, सम संख्या। सम संख्या उसे कहते हैं जो हमारा दो से पूर्णतः जो विभाजित होता है संख्या क्या है, सम संख्या है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं, जो दो से जो पूर्णतः विभाजित होती है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। इसका परिभाषा क्या होता है, जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो
विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। मतलब जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होते हैं उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अगला जो हमारा है विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या वे संख्याएं होते हैं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या है। जैसे एक तीन पांच सात नौ ग्यारह तेरह पंद्रह, इस प्रकार की जो संख्याएं होती है उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। मतलब कोई भी संख्या होता है यदि हमारा दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होता उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है, ये उसका परिभाषा देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अतिरिक्त संख्या से पूर्णतः विभाजित न होती है उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। मान लीजिए अगर कोई संख्या है, अगर मान लीजिए दो संख्या है, क्या होगा, सिर्फ स्वयं और एक से किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। मतलब अगर दो संभाग करेंगे तो दो कम दो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दो कम दो हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए कोई संख्या अगर 9 है, अगर हम 3 से अगर भाग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। अगर हम इसको अगर 1 से विभाजित करेंगे तभी क्या हो जाएगा, 9 चक्कर में विभाजित हो जाएगा। इसीलिए क्या है, 9 हमारा क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। मतलब इसका मतलब वही संख्याएं होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इत्यादि संख्याएं होती हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है नोट करके इसके लिए नोट में है, लिख लीजिएगा, केवल दो ऐसी सम संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं और ये सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं होती हैं। दोस्त बच्चों हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर इसको पीडीएफ चाहिए अगर इसका तो हम कमेंट में इसको आप लोग लिखिए हमको पीडीएफ चाहिए, और मैं इसको अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसका हम क्या करिए पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आज का वीडियो हमारा यहाँ तक समाप्त होता है, अगला वीडियो हम कल अपलोड करेंगे।